अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ तो बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यार बहुत दिनों के बाद है ना, आज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं मेरे और आपके साथ में वापस आ गया हूँ सारी जानवर को लेकर। और यार थोड़ी बैड न्यूज़ भी है और थोड़ी मतलब गुड न्यूज़, यही गुड न्यूज़ है और तीन चार बैड न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी मैं चावल और ये लाया था, इसको मैं पानी में डाल देता हूँ क्योंकि ये देखें ये पूरे पत्थर बने हुए हैं, तो इसको मैं पानी में डाल देता हूँ। चलो इनको जान दो और है ना, एक एक करके सारे जानवर को पहले खोल देते हैं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, आज कुछ है नहीं। तो ये मैंने जानवरों को तो खोल दिया है, टर्की को और मुर्गियों को खोल दिया है और इनको भी खोल लेते हैं हम लोग। आ जाओ भाई। और यार आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये इतना सुनसान क्यों है, ये वाला मतलब ये पूरा रूम इतना सुनसान क्यों है। तो यार ये मैं आपको आगे जाके व्लॉग में बता दूंगा कि यार ये पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे के ऊपर। और मतलब क्या ही बोलूँ यार, सारे जानवर है ना ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ एक और दो टर्की क्यों है, पहले तो मतलब चार टर्की हुआ करते थे। वो वाले जो ब्लैक वाला जो पैर थे ना, हमने उसको है ना सेल कर दिया क्योंकि है ना हमसे वो पल भी नहीं रहे थे और क्योंकि है ना एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले थे ना। तो मैंने बोला कि यार नहीं होगा, फिर खाने वाने के अंदर नया ना दे सके तो फिर गुनाह मिले ना। तो मैंने सोचा कि यार एक ही अभी के लिए काफ़ी है, होगा तो बाद में देख लेंगे। और देखते ही देखते है ना, हमने सोचा नहीं था कि है ना ये भी अंडे देने शुरू कर देगी और ये पूरा पर फैलाने लग जाएगा। इसको एक मिनट अभी मैं आपको बुलवा के दिखाऊँ, अभी देखेगा देखा, ये अभी यार फुल एडल्ट हो गई है और मतलब ये भी अंडे दे रही है। आपको मैं बाद में जाके नीचे दिखा दूंगा अंडे, अभी तो मैं इसके कोई स्टोर वगैरह नहीं कर रहा। आप मतलब पांच अंडे के बाद जितनी दे देगी ना फिर जाके मैं इसको स्टोर करूंगा, वरना है ना फिर आपको पता है कि बहुत दिन जब गुजर जाते हैं ना तो फिर उसकी फर्टिलिटी और सारा कुछ है ना फ़ायदा नहीं होता फिर अंडे का। गर्मी का तो आपको पता है कितनी है, अभी देखिए मैं जस्ट ऊपर आया हूँ, पसीने शुरू आ गए, अभी मैं ना के आया हूँ पूरा, अभी बस जानवरों के लिए आया तो अभी 5-10 मिनट भी रुकूंगा ना तो टिप्पे गिरने शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली यार जब से मैंने एग्जाम शुरू हुए तब से, जैसे आपको पता है मैंने वीडियो नहीं बनाई तब से, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि है ना हमारा मुर्गा है ना अभी अजान देने लग गया है, बट ये इतना शर्मीला है ना, मैं क्या बोलूँ क्या है ना, ये मेरे सामने अजान नहीं देगा। मैं जब अंदर मतलब मैं इनका खोल आता हूँ ना रोज दरवाज़ा, तो अंदर अजान देता होता है और जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ अजान देना बंद कर देता है। अभी ये एक नमूना है किस्म का, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे यार देख ऑब्जर्व क्या कहते हैं ऑब्जर्व, हाँ ऑब्जर्व करते होंगे कि यार यहाँ पे सिल्की वाली जो बाल वाली मुर्गी थी वो किधर गई और जो दो कबूतर वो किधर गए। तो यार मैं आपको बता दूँ कि मैं ना एक दिन मतलब एक दिन क्या थोड़े दिन पहले ही है ना मैं आया था ऊपर, तो रात को है ना मैंने मतलब क्या कहते हैं कि मैं आया ऊपर खाना देने के लिए, मैं नीचे गया कुछ लेने के लिए, तो मुझे था ऐसे में छोड़ के जाते था तो कोई होता नहीं था। तो यार मैं जैसे छोड़ के गया और ऊपर आया तो मैंने देखा कबूतर नहीं है और सिल्की हैन गई भी है। मैं टेंशन में मैंने सारे जानवरों को बंद किया, यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। उसके बाद जाके पता चला कि है ना सिल्की हैन को है ना बिल्ली ले गई थी और उसको वहाँ पीछे गली में खा लिया था उसने और कबूतर उड़ गए। और मैंने इतना यहाँ पर सारी जगह ढूंढा लेकिन मुझे कबूतर कहीं भी नहीं मिले, दोनों उड़ गए। लेकिन यार इतना गुस्सा आता है ना मुझे बिल्ली पर, मैं क्या बोलूँ, अब उसको मार भी तो नहीं सकते। अभी मैं एक काम करूँगा, मुझे पता है जिस बिल्ली ने है ना खाया ना, मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं उसके साथ जो बदला लूँगा ना आपको व्लॉग भी बनाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा और दिखाऊंगा सर के साथ मैं क्या किया। चलो भाई हटो 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 छोटे हटो हटो हटो। अभी यार इनको अभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि आपको पता है दूसरे मुर्गियों के साथ क्या हुआ है। और एवरीबॉडी टाटा। तो यार यहाँ से थोड़े से घास तोड़ लेते हम लोग जानवरों के लिए क्योंकि अभी शाम का वक़्त तो हो गया।
चले जाते हैं घास काफी, अब इसको लेके चलते हैं ऊपर। ऊपर ऊपर नीचे होने के अंदर ना मैं थक जाता हूँ, सांस पहले से एक तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊपर से ऊपर नीचे होता है ना तो फिर हालत भी टाइट हो जाती है। इनको यहाँ पे दे दिए और सुबह जैसे याद है हम आए थे तो अंडा नहीं था, अभी अंडा दे दिए। चलो ये भी उठा लेंगे, लेते हम लोग ये लो। थोड़ी सी देर में है ना आप पंखे से बाहर निकलो आपका टिप टिप शुरू हो जाता है। और ये अंडा उठा लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह। आजकल ये पता नहीं, मतलब कल ये नॉर्मली एक दिन छोड़ के एक दिन देती है अंडा, आज इसने एक दिन का गैप भी एक दिन का भी गैप नहीं लिया, मतलब लगातार दो दिन से दिए जा रही है, तो वो भी अच्छी बात है। इसको हम यहाँ रख देते हैं, फिर जाते हुए ले लेंगे। यार मैं अभी पता नहीं नोटिस कर रहा हूँ, ये मुर्गी है ना बार बार यहीं पे कहीं पे आ रही है, लगता है इनको कुछ खाने का वगैरह कुछ दिख गया है। पता नहीं क्या है, कोई कीड़ा वगैरह दिख गया उनको क्या, पता नहीं। सारे मुर्गियाँ आ जा रही हैं, यहाँ पे शोर मचा रही है वहाँ के। अभी मेरे डर से तो चली गई है वो, बट देखे बार बार यहाँ पे आने की कोशिश करी है, पता नहीं क्या है इसकी। ये क्या है वे? ये चूहा का बच्चा यहाँ पे कहाँ से आया? अरे नहीं नहीं ये तो बिल्ली का बच्चा है, हैं? ये किधर से आ गया? ये किधर से आ गया यार? ये अब्बू से बात करनी पड़ेगी कहाँ से बच्चा आ गया। जितना मुझे ध्यान है मतलब हाँ हमारी एक बिल्ली है ना जो एक फ्लफी समझो क्रॉस वाली पर्सन थी, तो मतलब वो जंगली थी लेकिन हम जा खाना देते थे तो वो मतलब हमारे पास रहने लग गई, तो वो प्रेग्नेंट तो थी। अब ये ऐसा तो नहीं उसके ही बच्चे हों मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं दो तीन दिन से नोटिस भी कर रहा हूँ। कहना मतलब वो यहाँ पे जब मैं ऊपर आता हूँ ना वो यहाँ से भाग के जाती है, और मैं दरवाज़ा खुला ही रहने देता हूँ क्योंकि है ना हवा आती रहेगी आती जाती रहेगी तो फिर माहौल भी ठीक रहेगा, और ज़्यादा मतलब अंदर बहुत गर्म टेम्परेचर भी हाई नहीं होगा, जिससे मैं घर दरवाज़ा खुला रखता था। मुझे क्या पता थी क्या कि यहाँ पे एक बच्चा दे देगी। चलो यार इसको भी वैसे तो सोने देते हैं, बट यार ऐसे कैसे मतलब इसको मैं रहने दूँ, क्योंकि घर के अंदर आपको पता है जैसे बिल्ली नहीं पालनी चाहिए ना, तो मतलब ये घर के अंदर आके आ गई है ना, वरना नॉर्मली अगर हम बाहर इसको खाना देते थे रोड पे तो रोड पे थो देती, ये तो घर के अंदर आ गई है। और देखें बच्ची की उम्र अच्छी खासी बड़ी है, क्योंकि है ना इधर देखो इधर देख ये छोटे इधर देख ही नहीं रहा पता नहीं, और इसकी उम्र अच्छी खासी है, कम से कम दो हफ्ते तो नहीं एक हफ्ते से ऊपर ही होगा। ये देखें आप इसकी आंखें खुल गई है और ये मतलब बोल, देखें ये थोड़ा बोल पा रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि मतलब ये बहुत टाइम से यहाँ पर है, और मुझे पता नहीं चला, ये तो इन मुर्गियों ने मेरे को आज बता दिया। और पता है मैंने है ना एक बात नोटिस की हुई है, कहना जो भी जानवर है ना मेरे घर में आते हैं ना मुझे उनसे ज़्यादा आजकल मतलब वो मतलब जैसे होता है ना एक बहुत अटैचमेंट होती है, जैसे बिल्कुल वैसे प्यार होता है कि नहीं यार ये मेरा वैसे बेटा है ये वो, तो मुझे ना ये जानवरों के साथ नहीं होती। मेरे को ये मैंने नोटिस किया है कि ना जो सफ़ेद कलर के जानवर होते हैं ना जैसे सिल्की थी फिर याद है डक्स हमारे होते थे डक्स वो वाले, और फिर एक हमारी डेजी थी काकाटू था तो फीमेल थी वो भी, तो उन तीन जानवर आज तक मेरे आए हैं पास वाइट कलर के प्योर वाइट, तो उनसे मेरे बहुत अटैचमेंट थी। मैं मतलब बैठता था ना डक्स के पास वो मेरे आके गले मतलब मिलती थी मेरे से, देसी भी बड़ी अच्छी थी वो तो कहानी सुना उसके तो मैं, और सिल्की तो का तो आपको पता है कितनी अच्छी थी वो। तो यार यही होता है जिससे प्यार होता है ना आपको वो सबसे पहली चीज़ चली जाती है। खैर यार चलो कोई बात नहीं, अल्लाह को जो मंजूर। अभी है ना रात मतलब मगरिब होने वाली है, थोड़े टाइम में आप बगल से चेक कर पा रहे होंगे, तो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मैं सारे जानवर को बंद कर दूंगा ठीक है, और
मैं सोच रहा हूँ यार थोड़े दिनों के अंदर है ना मैं जाके मतलब मार्केट में जाके ब्लॉग बनाऊँ, और वहाँ पे मतलब कुछ अगर कुछ भी मतलब मिल जाए, कुछ ढंग का कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो ले आऊँगा मैं। इस ब्लॉग में ज़्यादा तो कुछ था नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया कि यार मेरे जानवरों का सिल्की और दो कबूतर सब क्या हुआ, मेरी जो है ना नई वाली मतलब मैंने वो दूसरे वाले एक पैर ब्लैक पैर बेच दिया है, और ये वाला है ना अभी रखा हुआ और जो कि अंडे दे रहा है, ठीक है अभी टोटल चौथा या पांचवा अंडा दे चुके हैं ये। और इंशाल्लाह यार क्योंकि ये हम लाए थे तो बच्चे लाए थे ना, तो अब इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी ये वाली और दूसरी वाली जो है ना मुर्गी वो भी अंडे देने शुरू कर देंगी। बस दुआ करें यार, क्योंकि है ना हमारे पास जो भी मुर्गी आती है ना सर कभी अंडे नहीं देती। आप वो देखें देती हैं, मतलब ऐसा नहीं है नहीं देती, बट मतलब एक दो दे के ख़त्म टट्टा बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।